प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ शनिवार को नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ शास्त्री चौक पर सब्जी विक्रेताओं के ठेलों पर छापा मारकर कई किलो अवैध पॉलिथीन को जब्त किया और दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा नगर आयुक्त ने अन्य चौराहों पर भी पॉलिथीन के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त अंजनी कुमार ने बताया कि नए शासनादेश के अंतर्गत अब पॉलिथीन बेचने वालों के साथ ही साथ अब पॉलिथीन में सामान खरीदने वालों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर मौके से कोई व्यक्ति पॉलिथीन में सामान खरीद कर ले जाते हुए पकड़ा गया, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, अरे नहीं दिन लाते हो कहाँ से हो? किस मंडी से? उन्नीपुर से लाते हो? यहाँ पे आते हैं जैसे मान लो अभी तुमको पन्नी चाहिए तो कहाँ से मंगाओ? मुझे पता था क्यों जाना है, कहाँ से मंगाओगे? तुमको थोड़ी बोल रहा है, यही रहेगा तो नहीं। अरे नहीं, धोनी देखिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर पूर्णतया प्रतिबंध है, तो बीच बीच में लगातार ये कार्रवाई चलती रहती है। प्रायः ये देखा जा रहा है कि अगर एकाध दिन का कहीं अंतराल हो जाता है तो उसका लाभ उठाकर दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये कार्रवाई करने की। अब इस कार्रवाई में एक नया पहलू ये जुड़ेगा कि अगर हम किसी ग्राहक के पास भी पॉलिथीन देखते हैं तो उनको भी सीधे जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि अब ये उपयुक्त समय है, बहुत इसका प्रचार हो चुका, हर व्यक्ति जानता है कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी अगर कोई नागरिक भी पॉलिथीन इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उससे जुर्माना वसूला जाएगा।